हेलो एवरीवन, वेरी फ्रेश मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू आवर एसएस क्लास. सो एवरीवन रेडी फॉर एसएस क्लास? ओके, सो टेक आउट योर एसएस टेक्स्ट बुक. टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन आवर चैप्टर नंबर 7, द क्लोथ्स वी वेयर. The clothes we wear. So, take out your SS textbook and open. Page number 32. Okay. In textbook, open page number 32, chapter number 7. What is name of our chapter? The clothes we wear. Okay. Now, before going to start our chapter, what we have to do? Yes, we have to show the hard words. Okay. See, here I have written 13 hard words from this chapter. Okay, 13 hard words from this chapter. Now, one by one, I will explain you the meaning. ओके, आपको भी ऐसे ही लिखना है. कहाँ पे लिखनी है? आपकी 5 नंबर नोटबुक में. हार्ड वर्ड हमेशा कहाँ पे हम लिखते हैं? हमारा जो 5 नंबर की नोटबुक होती है. ओके, तो आपको वहां पे ऐसे चैप्टर नंबर 7, द क्लोथ्स वी वेयर. ओके, देखो मैंने यहाँ पे मेरे बुक में, ये 2 लाइन की बुक है, इसमें लिखा है. बहुत सारे बच्चों ने क्या किया था, जो PA1 में 2 लाइन की बुक यूज किया था. बेटा आपको 2 लाइन की यूज नहीं करनी है, आपको 4 लाइन की बुक यूज करनी है. ओके, मैंने जो भी 2 लाइन की बुक यूज किया था ना, उनके बुक में नोट डाला था कि अभी से आपको 4 लाइन की बुक यूज करनी है. ओके, चलो अभी फर्स्ट वन इज थॉट. THOUGHT, थॉट. थॉट का मतलब क्या होता है? सोचना. थॉट का मतलब सोचना. हम थिंक करते हैं ना, थिंक का पास्ट टेंस होता है थॉट. ओके, देन क्लोथ्स. क्लोथ्स तो हम सबको पता है, कपड़े. देन प्रोटेक्ट. प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रोटेक्ट मतलब जो हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, मतलब रक्षा, मतलब हमारा बॉडी को रक्षा करता है. अपेलिंग. अपेलिंग का मतलब क्या होता है? लुकिंग गुड, लुकिंग वेरी स्मार्ट, है ना. देन स्मार्ट. स्मार्ट तो हम सबको पता ही है ना. स्मार्ट मतलब जो हम, जब हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, हम न्यू, जब हम सनग्लास पहनते हैं या न्यू क्लोथ्स पहनते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं, तो वी आर लुकिंग स्मार्ट और लुकिंग गुड, है ना. देन उलन. उलन भी हम सबको पता है, ये इस चैप्टर का जो हार्ड वर्ड्स है वो बहुत इजी है. उलन क्लोथ्स हम पहनते हैं विंटर में, जैसे लाइक स्वेटर, मफलर्स, ये सब, है ना. देन नेक्स्ट वन इज वर्म. वर्म मतलब, वर्म का मतलब क्या होता है? गर्म, मतलब जो हमारा बॉडी को वार्म रखता है. उलन क्लॉथ जैसे हमारे बॉडी को वार्म रखता है, इसलिए हम विंटर सीजन में उलन क्लॉथ पहनते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वन इज रिप्लाइड. रिप्लाइड मतलब किसी को आंसर करना. अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछता है तो आपको आंसर तो देना पड़ेगा ना, उसका मतलब है, होता है रिप्लाई करना. ओके, देन रेनकोट्स. रेनकोट्स हम सबको पता है, जो रेनकोट्स क्या है, वन टाइप ऑफ क्लोथ्स है जो हम रेनी सीजन में यूज करते हैं टू कीप अस ड्राई. हमें मतलब हमारा बॉडी को ड्राई रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं? रेनकोट्स. गमबूट्स हमारे फीट को हम ड्राई रखने के लिए यूज करते हैं. अम्ब्रेला तो सबको पता है. देन कॉटन. कॉटन का तो ये एक फैब्रिक है, जैसे कॉटन की क्लोथ है, सिल्क है, मैंने आपको वीडियो में दिखाया था ना, सिल्क है, कॉटन है, उलन है, ये सब फैब्रिक है ना. देन ड्राई. ड्राई तो सबको पता है, ड्राई मतलब सूखा, है ना, हमारा जो गीला नहीं होता है, सूखा, ड्राई. ओके, तो ये था हमारा चैप्टर 7 का 13 हार्ड वर्ड्स. ओके, अभी हम चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे. चलो सी, दिस इज आवर चैप्टर नंबर 7, द क्लोथ्स वी वेयर. ओके,
अभी पहले हम क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे, उसके बाद एक्सप्लेनेशन. ओके, हैव यू एवर थॉट व्हाई वी ऑल नीड टू वेयर क्लोथ्स? हैव यू एवर थॉट व्हाई वी ऑल नीड टू वेयर क्लोथ्स? वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी. क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड एंड रेन. We look appealing and smart in clothes. Okay? क्या लिखा है, पहले ये पैराग्राफ हमने रीड किया, उसमें क्या लिखा है, Have you ever thought why we all need to wear clothes? ये मैंने जब वीडियो दिखाया था, मैंने आपको सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा था ना, why we need to wear clothes? तो उसका आंसर भी हमने लर्न किया था, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड विंड एंड रेन एंड ऑल्सो. So, हमने उसमें देखा था, देर आर टू रीजन्स दैट्स वाई वी नीड क्लोथ्स. फर्स्ट हम क्या था, क्लोथ्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, विंड, रेन, और हमने क्या देखा था, डस्ट एंड इंसेक्ट वाइट ऑल्सो, है ना. जो क्लोथ्स होता है हमें किस किस चीज से प्रोटेक्ट करता है, हीट समर सीजन में हीट से, कोल्ड कोल्ड एंड विंड विंटर सीजन से, एंड रेन रेनी सीजन में रेन से प्रोटेक्ट करता है, एंड डस्ट ऑल्सो, है ना. डस्ट डस्ट हमें कैसे करती है, मैंने आपको बताया था हम स्पेक्स पहनते हैं, तो क्यों पहनते हैं, हमारा जो आईज को डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम स्पेक्स पहनते हैं. ओके, देन इंसेक्ट बाइट ऑल्सो, इंसेक्ट क्लोथ्स पहनते हैं तो क्लोथ्स हमें इंसेक्ट की जो बाइट्स होते हैं, कभी हमें कोई इंसेक्ट का बाइट होती है ना, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए भी हम क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, एंड ऑल्सो वी लुक अपेलिंग एंड स्मार्ट इन क्लोथ्स, है ना. जब हम न्यू क्लोथ्स पहनते थे, और हमेशा हमें कैसा क्लोथ्स पहननी चाहिए, क्लीन, नीट एंड क्लीन, डर्टी क्लोथ्स तो कभी नहीं पहननी चाहिए, है ना. जब भी हम बाहर जाते हैं, खेल के आते हैं, हमारा कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, और स्कूल में हम आते हैं, स्कूल में खेलते हैं, भागा दौड़ी करते हैं, तो हमारा कपड़े कितने गंदे हो जाते हैं, तो हम घर जाके क्या करते हैं, कपड़े चेंज कर लेते हैं ना, क्योंकि वो हमारा कपड़ा डर्टी हो जाती है. और हमें हमेशा वी शुड वेयर नीट एंड क्लीन क्लोथ्स. ओके, एंड जब हम न्यू क्लोथ्स पहनते हैं और अच्छे कपड़े पहनते हैं, वी लुक स्मार्ट, वी लुक अपेलिंग, हम वी लुक वेरी वेरी गुड, है ना. तो इसीलिए भी हम क्लोथ्स पहनते हैं. बट जो अर्ली मैन थे, मैंने आपको बताया था ना, जो अर्ली मैन थे उनके पास ना रहने के लिए होम था, हाउस था, या फिर वो क्लोथ्स था, तो वो लोग क्या करते थे, दे लिव इन द जंगल, जंगल में रहते थे. तो जो ट्री का लीव्स होता था, उनको कपड़े के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि क्यों कपड़ा पहनना चाहिए, तो वो क्या करते थे, ट्री का जो लीव्स है उसको क्लोथ्स बना के पहना करते थे. ओके, बट नाउ इट इज वी कैन नॉट लीव विदाउट क्लोथ्स, है ना. क्लोथ्स आर द बेस्ट वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का एक बेसिक नीड है ना क्लोथ्स. वी कैन नॉट लीव विदाउट क्लोथ्स, दैट्स वाई वी नीड टू वेयर क्लोथ्स. ओके, एंड और क्या हमने लर्न किया था, वी वेयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स थ्रू द ईयर, है ना. हम वन ईयर में हम डिफरेंट डिफरेंट क्लोथ्स पहनते हैं. ओके, नाउ सी, पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर, पीपल वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर. रमन आस्क्ड हिज मदर, व्हाई डू वी वेयर वूलन क्लोथ्स इन विंटर? Why do we wear woolen clothes in winter? Mother tells him that woolen clothes keep our body warm and protect us from the cold in winter. Okay, तो यहाँ पे क्या लिखा है, People wear woolen clothes in winter.
वी लर्न दैट आवर क्लोथ्स आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सीजन. सीजन वाइज हमारा क्लोथ चेंज होता रहता है ना. हम सेम टाइप के ड्रेस एवरी सीजन में नहीं पहनते. वी हैव मेजर थ्री सीजन है ना, समर, विंटर एंड रेनी. सबसे पहले यहाँ पे विंटर सीजन के बारे में बताया गया है. ओके, तो पीपल वेयर वुलन क्लोथ्स इन द विंटर. तो उलन जो क्लोथ से कहाँ से मिलती है, हमने क्या देखा था, वी गेट वूल फ्रॉम द शिप. शिप से मिलती है ना, द फ्लीस ऑफ द स्लीप पिक्चर में दिखाया था ना, तो वहां से हमें ऊल मिलती है. और ऊल से क्या बनती है, उलन क्लोथ लाइक स्वेटर, मफलर, सल, ये सब बनती है. और तो रमन नाम का एक लड़का है, वो अपनी मम्मा को क्या पूछ रहा है, वाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ इन विंटर. वो पूछ रहा है कि हमें विंटर में, विंटर सीजन में वुलन क्लोथ्स पहनने की क्यों पहनते हैं, हम क्यों कॉटन क्लोथ्स नहीं पहनते हैं. ओके, तो मम्मा का आंसर क्या था, मदर टेल्स हिम दैट वुलन क्लोथ्स कीप आवर बॉडी वर्म. वुलन क्लोथ जो होता है हमारा बॉडी को क्या रखता है, वर्म रखता है, गर्मी देता है ना. बिकॉज इन विंटर सीजन देर इज सो मच कोल्ड है ना. विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड लगती है. और जो वुलन क्लॉथ से वो हमारे बॉडी को क्या रखता है, गर्मी देती है. अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमें हमारा बॉडी को क्या बाहर जो विंटर सीजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है. तो ठंडी के सीजन में हमारे बॉडी को क्या चाहिए, गर्मी चाहिए है ना. तो इसलिए जो उलन क्लॉथ से वो हमारे बॉडी को क्या करता है, उलन क्लॉथ कीप आवर बॉडी वार्म. कीप आवर बॉडी वार्म हमारे बॉडी को गर्मी देती है. इसीलिए तो हम विंटर सीजन में जो उलन ऊल से जो भी उलन क्लॉथ पहनते हैं, जो क्लॉथ की ऊल से बना हुआ होता है, क्योंकि उसमें से हमारा बॉडी को क्या होता है, हीट मिलती है, वार्म मिलती है ना. तो इसलिए मम्मी ने बोला विंटर सीजन में वी फील कोल्ड, दैट्स वाई वी वेयर उलन क्लॉथ टू कीप आवर बॉडी वार्म एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड इन विंटर. विंटर में जो बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, इसलिए उससे हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट करता है. क्लोथ्स का मेन पॉइंट क्या है, हमारा बॉडी को कवर करता है, हमारा बॉडी को वो प्रोटेक्ट करता है. किससे, हीट, रेन एंड हीट, रेन एंड कोल्ड से. तो विंटर सीजन में क्या होता है, कोल्ड होता है. तो हमारा बॉडी को कोल्ड से कौन प्रोटेक्ट करता है, वुलन क्लोथ्स. ओके, चलो. देन वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर. क्या लिखा है, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, आस्क्ड रमन. ओके, चलो. सबसे पहले उसने क्या पूछा था, विंटर सीजन के बारे में, कि उलन क्लॉथ हम क्यों पहनते हैं विंटर सीजन में. देन फिर उसके और सेकेंड क्वेश्चन क्या था, वाई डू वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर. हम समर सीजन में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, ये तो आप सबको पता है हमने, कि जब समर सीजन आता है, वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लॉथ्स. वी लाइक टू वेयर क्लॉथ्स विच इज मेड अप ऑफ फ्रॉम कॉटन. क्या, क्यों, क्योंकि जो कॉटन होता है वो बहुत ही ज्यादा कूल होता है. कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, जैसे उलन क्लॉथ हमारे बॉडी को वार्म देता है, वैसे कॉटन क्लॉथ्स क्या होता है, कॉटन क्लॉथ्स कीप आवर बॉडी कूल. हमारे बॉडी को क्या करता है, गर्मी में हमें क्या चाहिए, गर्मी में हमें ठंडक चाहिए और ठंडी में हमें गर्मी चाहिए है ना हमारे बॉडी को. तो इसीलिए विंटर में हम उलन क्लॉथ्स पहनते हैं जो हमारे बॉडी को वार्म रखता है. एंड समर सीजन में बहुत ज्यादा धूप होती है ना. समर सीजन में जो मई जुलाई की जो मार्च अप्रैल मई के जो मंथ्स होते हैं, अप्रैल मंथ में बहुत ही ज्यादा तेज गर्मी होती है ना. घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाते हैं. इसलिए जब हम घर से समर सीजन में घर से बाहर निकलते हैं तो हम क्या पहनते हैं, पूरा बॉडी को हम कवर करते हैं. हमारा वो हैंड ग्लोव्स भी आता है नी, हम सब हैंड में ग्लोव्स पहनते हैं, फिर सनग्लास लगाते हैं, पूरा बॉडी कवर करते हैं क्योंकि हमें हीट ना लगे. तो टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द हीट ऑफ द सन, सन रेज, फ्रॉम द सन रेज. सन की जो रेज होती है ना समर सीजन में बहुत ही ज्यादा हाई हो जाती है, बहुत ही ज्यादा हीट हो जाती है. तो हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा धूप लगती है ना.
टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम द सन हीट फ्रॉम द सन रेज वी कवर आवर बॉडी व्हेन वी गो टू आउटसाइड। जब हम बाहर जाते हैं, हम देखा है ना, आप भी सब समर सीजन में जब बाहर जाते हैं पूरा बॉडी को कवर कर, हैंड में हैंड ग्लव्स, फिर सन ग्लास, फिर पूरा मुंह में वो जो दुपट्टा बांध के मम्मी आपको पूरा कवर कर देती है ना, क्योंकि हमारा बॉडी को प्रोटेक्ट रहता है। तो इसीलिए समर सीजन में हमें किस टाइप के कपड़ा पहनना चाहिए? कॉटन क्लॉथ्स। ओके, कौन से कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लॉथ्स, बिकॉज कॉटन क्लॉथ्स जो होता है वो क्या होता है, वो हमारे बॉडी को कूल रखने में हेल्प करता है ना। सो विंटर में हम कैसे कपड़ा पहनते हैं? उलन। समर में कॉटन, ये याद रखना आप। ओके, चलो रमन ने पूछा, मम्मी ने क्या बोला, इन समर वी नीड टू कीप आवर बॉडी कूल। इन समर वी नीड टू कीप आवर बॉडी कूल है ना, क्योंकि समर में बहुत ही ज्यादा हीट होती है, तो हमें हमारा बॉडी को कूल रखना पड़ता है। इसीलिए तो हम समर सीजन में सबके घर पंखे एसी सब चालू कर देते हैं ना, इतनी ज्यादा गर्मी होती है, फैन एसी कूलर सब कुछ चालू कर देते हैं हम समर सीजन में, टू मेक आवर टू कीप आवर बॉडी कूल, टू कीप आवर बॉडी कूल है ना। देन कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल, कॉटन क्लॉथ्स कीप अस कूल। ओके, सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, सो वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर, द मदर रिप्लाइड। तो रमन जो था उसके मन में यह था, सबसे पहले इसने पूछा कि हम जब आप ये चैप्टर जो आपका स्टार्ट नहीं हुआ था, तब आपने कभी भी सोचा था, हम तो क्लॉथ तो सबको पसंद है, न्यू क्लॉथ्स पहनना, डिजाइनर क्लॉथ्स पहनना है ना, बट कभी आपने ये सोचा था कि हम जो क्लॉथ्स पहनते हैं वो क्यों पहनते हैं, और हमारे जो सीजन वाइज क्यों चेंज होती रहती है, कॉटन में कॉटन क्लॉथ्स हमें समर में पहनते हैं, फिर वुलन क्लॉथ्स हम विंटर में पहनते, कभी इससे पहले आपने इमेजिन किया था, सोचा था? नहीं। तो अभी इस चैप्टर से हमें क्या सीखने के लिए मिला? क्लॉथ्स के बारे में तो जानने के लिए मिला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, और ये भी जानने के मिला कि सीजन वाइज हमारा क्लॉथ्स कैसे चेंज होता रहता है ना सीजन। तो व्हाट इज द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर? द लर्निंग आउटकम ऑफ दिस चैप्टर इज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स एंड हाउ क्लॉथ्स आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन। अलग अलग सीजन में हम अलग अलग जो क्लॉथ्स पहनते हैं, समर सीजन में हम उलन नहीं पहन सकते क्योंकि समर में ऑलरेडी इतनी गर्मी होती है, और उलन का क्लॉथ्स में तो हमें गर्मी लगती है, तो और भी ज्यादा हमारा बॉडी को गर्मी लगेगी है ना। तो इसलिए हम क्या पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, शर्ट्स पहनते हैं है ना समर सीजन में। देन मम्मी ने, इसलिए मम्मी ने रमन को क्या बोला कि इसीलिए क्योंकि कॉटन क्लॉथ्स जो है हमारा बॉडी को क्या करता है, वो हमारा बॉडी को कूल रखता है, इसीलिए इन समर सीजन वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स। ओके, तो हमने देखा था कॉटन क्लॉथ्स जो है कहाँ से मिलता है? कॉटन प्लांट से। पिक्चर में देखा था ना, जो कॉटन क्लॉथ हम पहनते हैं ना वो कॉटन की प्लांट होती है, कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलती है, फिर कॉटन से मशीन के थ्रू वो कॉटन की थ्रेड बनती है ना, फिर कॉटन थ्रेड से कॉटन की क्लॉथ्स बनती है। ओके, तो बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उसमें से। ओके, देन चलो तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो यहाँ पे कुछ हार्डवर्ड का मीनिंग लिखा, जैसे अपेलिंग, अपेलिंग का मतलब क्या बताया था हमने, एट्रैक्टिव मतलब जो देखने में बहुत सुंदर लगता है, एट्रैक्टिव। प्रोटेक्ट का मतलब होता है कीप सेफ फ्रॉम हार्म, प्रोटेक्ट का मतलब क्या होता है, कीप सेफ फ्रॉम हार्म, कोई भी नुकसान से हमें जो बचाता है, कोई भी हमारा बॉडी को कोई भी नुकसान होने से बचाता है वो प्रोटेक्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाई डू
वी नॉट वेयर वुलन क्लॉथ इन समर। ये क्वेश्चन जो है ये तो ऑलरेडी हमने अभी उसके आंसर दे दिया है ना, क्योंकि समर सीजन में ऑलरेडी जो सन की रेज होती है तेज होती है, हाई होती है। और उलन कप क्या हमने लर्न किया कि उलन कीप आवर बॉडी वार्म, गर्मी देता है। और ये तो समर सीजन में गर्मी है, और भी हम गर्म वाले कपड़े पहनेंगे तो हमारा बॉडी का तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगा ना, इसलिए हम समर सीजन में उलन क्लॉथ नहीं पहन सकते। ओके नाउ सी, उलन क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम उल, वी गेट उल फ्रॉम शीप एंड माउंटेन गोट। ये तो हमने भी देखा था ना कि फ्रॉम विच एनिमल वी गॉट वूल, वी गॉट वूल फ्रॉम शीप, फ्लीस ऑफ द शीप। ओके, जैसे कि कॉटन हम कहाँ से मिलता है, हमें कहाँ मिलता है, कॉटन की प्लांट से। ओके, वैसे उलन जो क्लॉथ है वो ऊल से बनता है, और ऊल कहाँ से मिलता है, वो हमें शीप से मिलता है, शीप से और माउंटेन गोट। माउंटेन गोट जो नॉर्मल जो गोट होते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट, बड़े बड़े होते हैं माउंटेन गोट है ना, उनसे हमें क्या मिलता है, ऊल मिलता है। ओके चलो, तो आई होप आप सबका ये जो आज का हमारा क्लास था उसमें से समझ में आ गया होगा कि व्हाई वी नीड टू वेयर क्लोथ्स एंड हाउ क्लोथ्स आर चेंजेस अकॉर्डिंग टू सीजन है ना। क्लोथ्स क्यों, फिर से हम रिपीट करेंगे, क्लोथ्स हम क्यों पहनते हैं, वी नीड टू वेयर क्लोथ्स टू कवर आवर बॉडी, हमारे बॉडी को कवर करने के लिए। और एंड द सेकेंड रीजन इज टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी, टू प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, विंड, डस्ट एंड इंसेक्ट बाइट ऑल्सो, इंसेक्ट बाइट ऑल्सो है ना। तो ये सारी चीजों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोथ्स पहनते हैं। एंड क्लोथ्स इज वन ऑफ द बेसिक नीड ऑफ ह्यूमन बींग, वी कैन नॉट, नो ह्यूमन बींग कैन नॉट लिव विदाउट क्लोथ्स, हम में से कोई भी क्लोथ्स के बिना नहीं रह पाएगा। यस और नो, यस, सो वी नीड क्लोथ्स। ओके, सो आई होप आप जितना भी हमने लर्न किया आप सबका समझ में आ गया होगा। ओके सो एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।